आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। आज के दिन 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री की आपात बैठक में फैसला। जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश। गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन में होंगे शामिल। राजनाथ गांव और बिलासपुर का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुना में चोरी का सनसनीखेज मामला। शहर की हार्ट रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से आरोपी ने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए न केवल अंगूठी चुराई बल्कि उसे निगल भी गया। मुरैना में दो शासकीय ठेकेदारों के बीच जमकर फायरिंग। गोलीबारी में चार लोगों को लगी गोली। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कवर्धा जिले में बनाने की तैयारी की जा रही। इसकी तैयारी शासन और प्रशासन स्तर पर की जा रही। ये जंगल सफारी के साथ साथ जू भी बनाया जाएगा। बंगाल की रण में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज खड़गपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में ममता बनर्जी आज तीन जगहों पर चुनावी रैलियां संबोधित करेंगी। तो वहीं आज तीनों चुनावी रैलियां हल्दिया, खिजड़ी और पंचकुला में की जाएंगी। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे गुवाहाटी में असम चुनाव का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। आज दोरहाट और विश्वनाथ में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल। एंटीलिया केस में एनआईए की टीम ने देर रात स्कॉर्पियो खड़ी करने के सीन का रिक्रिएशन किया। इस दौरान सीएफएसएल की टीम भी मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में सामने आया है कि बाजे के पास कई लग्जरी कारें थीं। एनआईए हर पहलुओं की बारीकी से जांच करने में जुटी है। दिल्ली सरकार की डो स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से राशन की शुरू करने वाली थी और केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश भर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए इस पर बदलाव नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री सुबह 11 बजे नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर भारत अमेरिकी द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत देने से इंकार कर दिया है, साथ ही ईडी के समन पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का आज 115वां दिन। नई रणनीति को लेकर आज किसान संगठन बैठक कर सकते। पूरी दुनिया में करीब 42 मिनट तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ठप रहे, जिसके चलते यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात 11:05 से लेकर 11:47 तक सर्वर डाउन रहा। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्रिस गेल ने कोविड-19 वैक्सीन जमैका भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। देश में अब तक 1,15,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 1,11,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में मिले 1,097 मरीज। रायपुर में 280 तो दुर्ग में सामने आए 320 नए केस। 9 लोगों की गई जान। पूरे विश्व में अब तक 12,28,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 27,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 641 अंक बढ़कर 4,858 पर बंद हुआ है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कंपनियों को पूंजी की जरूरत पूरा करने में मदद मिलेगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयरों में मैनिपुलेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने 7 कंपनियों से 4.73 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने सीरीज में 2-2 मैच जीते हैं। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म भेड़िया की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में चल रही है।
और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज फॉलेन से अपना डेब्यू करने जा रही है। वेब सीरीज की शूटिंग खत्म हो गई है।